कुछ दिनों पहले मैंने ऑर्डर की थी एलईडी स्ट्रिप अमेजोन से। अभी ये प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है। आज को देखेंगे कैसी इसकी क्वालिटी है और कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी के पीछे एज अ बैकलाइट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। इस तरीके के बॉक्स में आता है ये प्रोडक्ट। आपको अगर बॉक्स दिखा देता हूँ तो बैक साइड से अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना है, ना कि कोई मेड इन इंडिया। तो बॉक्स के अंदर आपको इस तरीके से यूज़र मैनुअल मिल जाते हैं जिसमें पता रखा है कि हर एक बटन का क्या फंक्शन का क्या यूज़ है, और इस तरीके की पैकिंग में कंपनी ने मुझे डिलीवर किया है। इसको भी ओपन करके निकाल लेते हैं लाइट को। ये आपको कनेक्टिंग केबल मिल जाते हैं जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी के साथ, पावर बैंक के साथ या चार्जर के साथ, जहाँ पर भी आप जिस तरीके से भी इसको यूज़ करना चाहते हैं। और ये इसका है रिमोट कंट्रोल जिसकी हेल्प से आप इस लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपको मिल जाते हैं लाइट को डिम करने के या उसको आप ब्राइट करने के। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और अगर आपको डेमो मोड में डालना है तो उस मोड में भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तीनों कंट्रोल मिल जाते हैं। अगर लाइट के बाद दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पैकिंग में भेजा है। यहाँ पे सील लगाई हुई है, इसको भी हटा लेते हैं और इसको निकालें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की क्वालिटी है इस एलईडी स्ट्रिप की। तो क्वालिटी वाइज तो ठीक लग रही है, कोई इतने भी मैं कहूँगा एक्सीलेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जितनी ये पतली है तो कल को अगर गलती से भी बैंड हो जाए तो ये जो जॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ से अगर क्रैक हो गई तो ये यूज़लेस हो जाएगी आपकी ये एलईडी स्ट्रिप। तो क्वालिटी वाइज ठीक है। अब आपको मैं एक बार चेक करा देता हूँ। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करना होता है, यहाँ पे इस तरीके से, और जैसे मैंने आपको बताया आपकी मर्जी है कि आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। तो अभी के लिए मैं 5 वोल्ट के चार्जर से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। लाइट को मैंने ऑन कर दिया है और जैसे मैंने आपको बताया पहले वाले ऑप्शन से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आप इसके 20 कलर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो इसके कलर चेंज होते जाएंगे। तो आपको जो भी कलर चूज करना है आप उस कलर को चूज करके उस पर छोड़ दीजिए, ये लाइट उसी कलर पर आएगी। और बेस्ट थिंग ये है अगर आप पीछे से लाइट को ऑन ऑफ भी करें, मान लीजिए मैं इसको ऑफ करूँ और फिर से ऑन करूं, तो उस केस में अगेन उसी लाइट पे ये जलती है जिस लाइट पे आपने इसको लास्ट टाइम छोड़ा था। वैसे अगर आपको इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना है घटाना है वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया ये वाला इसका बटन है ब्राइटनेस बढ़ाना है घटाने का, तो इससे इसकी ब्राइटनेस को घटा सकते हैं। तो आप 7 लेवल की इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं 7 लेवल्स पे। जो इसकी हाइएस्ट ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, मान लीजिए आपके रूम में अगर अंधेरा है और आपने उसको 7 लेवल पे रखा है तो रूम पे पूरे की पूरे लाइट हो जाएगी जिस भी कलर को आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। मैंने इसको 3 मीटर में ऑर्डर किया था, ये आपको बाकी मीटर्स के ऑप्शन में भी मिल जाएगा, 1 मीटर 5 मीटर के ऑप्शन में। और इसको मैं लगाने वाला हूँ अपने टीवी के पीछे। तो मेरे जो टीवी है स्मार्ट टीवी वो है 50 इंच का। तो 50 इंच के लिए अगर आप भी प्लान करें इस तरीके से बैकलाइट लेने का तो आपके लिए 3 मीटर की जो लेंथ होती है वो एनफ होती है। बट अगर आपको पूजा वगैरह में लगानी है या कहीं और लगानी है अलमीरा पे वर्क स्टेशन पे, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर करें। अब इसको लगाना कैसे होता है तो आप बैक साइड में देखेंगे कंपनी ने यहाँ पे 3M की टेप प्रोवाइड करा रखी है जो आप यहाँ पे देख भी पाएं बैक साइड से। तो आपको पहले मेजर कर लेना है कि आप इस तरीके से डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे भी इसको प्लेस करने वाले हैं, और स्टिकर को हटाएं और पेस्ट कर दें। तो टीवी के केस में तो आप डायरेक्टली इसको अपने टीवी के जो पीछे USB पोर्ट होता है उससे पावर दे सकते हैं। अगर आपको अलमीरा पे लगाना है या अपने वर्क स्टेशन पे या पूजा वगैरह पे लगाना है तो उस केस में आपका दो ऑप्शन, या तो आप पावर बैंक से चलाएं या आपके जो लो आउटपुट वाले जो चार्जर होते हैं 5 वॉट वाले उस चार्जर का यूज़ करें। टीवी में एलईडी स्ट्रिप लगाने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने स्मार्ट टीवी के डायमेंशन देख लें। जैसे मैंने आपको बताया ये 50 इंच का टीवी है और इसके लिए मैंने 3 मीटर की जो स्ट्रिप थी ऑर्डर की थी। तो आपको करना क्या है, पहले आप इसकी जो वर्टिकल्स वाली डायमेंशन है उनको मेजर कर लें और वैसे ही हॉरिजॉन्टल वाली डायमेंशन को भी मेजर कर लें। तो टोटल आपके पास 4 डायमेंशन आ जाएंगी। आप चारों के अकॉर्डिंग देख लें कि इनकी जो डायमेंशन है वो 3 मीटर से ज़्यादा है या कम। तो मैंने जो अभी मार्किंग की है वो ये पता चला कि जो यहाँ पे मैं वर्टिकल वाली लगाना चाह रहा हूँ स्ट्रिप वो कवर करेगी 60-60 सेंटीमीटर, और जो हॉरिजॉन्टल जाएगी वो जाएगी 90-90 सेंटीमीटर। तो 90-90-180 और 60-60-120, तो इनको अगर ऐड अप करेंगे तो ये एग्जैक्ट 3 मीटर बनेगा। तो आप भी पहले अपने इंस्टॉलेशन से पहले मेजरमेंट्स देख लें, क्योंकि अगर आपने पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो होगा क्या, एक कोने पे आके वो खत्म हो जाएगी और आपको कम पड़ जाएगी। तो या तो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डर कर ले, 4 मीटर 5 मीटर एक्स्ट्रा ऑर्डर कर ले तो आपको कुछ भी मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके चल रहे हैं तो उस केस में पहले ही देख ले। तो अब लगाने का तरीका सिंपल है, पीछे से टेप को रिमूव कर ले और उसको मैं पेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ साइड बाय साइड। तो मैंने टॉप साइड से लगाना स्टार्ट किया और मैंने इस साइड का एरिया कवर कर लिया है। अब मैं इस तरीके से नीचे आऊँगा और यूं करके फिर से जिम जाऊंगा और इस साइड से ऊपर टॉप पे जाके खत्म कर दूंगा। इसका रीज़न ये है जो मेरे USB पोर्ट है वो इस साइड पे है तो मुझे डायरेक्टली केबल को प्लग करना इजी रहेगा। स्ट्रिप को मैंने इस साइड और इस साइड में पेस्ट कर दिया। अब लास्ट स्टेप ये बचता है कि जो उसके साथ केबल मिलती है उसको टीवी के USB पोर्ट से कनेक्ट कर देता हूं और आपको टेस्ट करा के दिखाता हूं कि किस तरीके का लाइट का लुक आता है जब हम टीवी को ऑन करते हैं। तो आप इसका लुक देख सकते हैं कितना जबरदस्त लुक लग रहा है लाइट लगाने के बाद।
अब अगर आपको कलर चेंज करना है, जैसे आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं, मोड वगैरह भी आप जाके चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल एक स्टैंडर्ड कलर रखना है, रेड ग्रीन ब्लू या जो भी रखना चाहते हैं, अपने थीम के अकॉर्डिंग उस तरीके से आप रख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।